स्टूडेंट्स, अब हम बात कर लेंगे ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर नंबर 15 है हमारे पास। इसका हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे 15.1। तो बेसिकली हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है? हमारे पास बेसिकली एक ग्रीक अल्फ़ाबेट से ही निकला है, ठीक है ना। तो ट्रिग्नोमेट्री का वर्ड जो होता है उसका मतलब होता है कि मीन्स मेयर ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है ना, यानी ट्राइंगल की मेयरमेंट वगैरह, ठीक है। और अब मैंने एक और इसकी क्या कहते हैं इसकी जो ये बेसिकली लिख लिया है ग्रीक अल्फ़ाबेट से, ठीक है ना, यानी यूनानी एक ज़बान है, ठीक है, उसको इंग्लिश में ग्रीक कहते हैं। तो उस ज़बान से ये लफ्ज़ निकला है, ठीक है, टिग्रो ट्राइगोनोमेट्री, यानी ट्राई का मतलब होता है थ्री, ठीक है, और गोनिया यानी हमारे पास गोन का मतलब गोनो, यानी गोनिया का मतलब एंगल, और अप मैट्रेन का मतलब ग्रीक से ही निकला यानी मेयरमेंट, ठीक है ना। इसका मेयर मैट्री का मतलब है मेयरमेंट, ठीक है। आपको मुख्तलिफ शायद आपके स्कूल वगैरह में कोई मुख्तलिफ इसके बताएं, ठीक है। तो ये कोई हर कोई अपना अपना अलग ही बता रहा है, ठीक है, जो मुझे मिली मैंने आपको बता दिया। बेसिकली इसका मतलब होता है कि जो ट्राइंगल होती है उनकी जो मेयरमेंट होती है एंगल की, साइड की, इन सब चीज़ों की, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? अब देखिए हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आप क्या पढ़ेंगे, जैसे हम ट्राइंगल पढ़ते हुए आए, ठीक है, राइट ट्राइंगल पढ़ते हुए आए, क्या होती है? तो राइट ट्राइंगल हमारे पास ऐसी ट्राइंगल होती है जिसके अंदर हमारे पास, जैसे मैं एक ट्राइंगल बना रहा हूँ, एक राइट ट्राइंगल होता है और बाकी हमारे पास दो, हमारे पास एक्यूट एंगल बनते हैं उसके अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर होता ये है कि हमें क्या मालूम होता है कि हमारा जो प्रैक्टिकल लाइफ में इसका क्या पर्पस है, हमारे कहाँ कहाँ आती है, तो इसके ऊपर बात करते हैं, ठीक है। तो मिसाल के तौर पे आपको देखिए कि ताजमहल नज़र आ रहा है, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे एक पर्सन है यहाँ पर, अब वो है, ठीक है, अब वो यहाँ से देखना शुरू करता है इसकी यहाँ पर टॉप के ऊपर, ठीक है। तो अब वो चाह रहा है कि ये देखिए आपको एक ये चाह रहा है कि उसको ये हाइट पता चल जाए कि इसकी हाइट कितनी है, ठीक है। तो अब इसके लिए क्या होता है कि अगर उसको मालूम है कि वो जैसे अब ट्राइंगल के अंदर हम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर थ्रो करेंगे, और उस पर्सन को पता है कि मैं इस ट्राइंग ये जो इसका जो गुंबद है क्या कहते हैं इसका जो ताजमहल का, ठीक है, और उसके जो बिल्कुल सेंटर से हम नीचे आए तो उससे मैं कितना दूर हूँ, अगर उसको ये डिस्टेंस मालूम हो और उसको एंगल मालूम हो कि एंगल कितना बन रहा है, जो कि हम थीटा कहते हैं, कितना डिग्री पे बन रहा है, तो फिर हम बता सकते हैं इसकी हाइट कितनी है, ठीक है ना। अभी मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि हमारे पास कहाँ यूज़ होता है, ठीक है। इसी तरीके से ये देखिए एक पर्सन जो है वो देख रहा है, ठीक है। अब हमारे पास इसने यहाँ से देखना शुरू करा और सूरज की जो रेज है, हमारे पास सन रेज जो आती हैं वो किस एंगल से आ रही हैं, ठीक है। तो फिर उसने ये देखा कि किस एंगल से आ रही हैं, तो फिर वो ये बता सकता है कि हमारे से सूरज कितना दूर है, ठीक है। और इसी तरीके से और कई इसके पर्पस हैं, ठीक है। इसी तरीके से अभी एक हमारे पास एक पर्सन यहाँ पर खड़ा है, ठीक है। अब उसको मालूम है कि ये टावर की जो हमारे पास ये टावर है, अब जाहिर है ये हमारे पास मिलिट्री कोई टावर है, ठीक है ना, और इधर एक पर्सन खड़ा हुआ है, अब उसको मालूम है कि इसकी जो हाइट है वो हमारे पास मिसाल के तौर पर 10 मीटर है, ठीक है, या कितनी भी हो सकती है। तो अब वो इसको जब देखना चालू कर रहा है ये पर्सन, और एंगल उसको पता है कि मैं जिस एंगल से देख रहा हूँ वो एंगल क्या बनना है, जो भी बनेगा, तो उसको एंगल तो वो खुद से देख सकता है कि मेरी आँख से जो एंगल बनना है वो 10 डिग्री का कह सकता हूँ, 5 डिग्री का, जितना भी बने, और उसको इस टावर की हाइट मालूम है, तो वो ये पता लगा सकता है कि डायरेक्ट डिस्टेंस जो है टावर से लेके, या अगर ये कोई पर्सन है, ठीक है, या कोई शूटर है, तो उसको मालूम है कि मुझसे ये कितना दूर है ये पर्सन, ठीक है ना। एक तो होता है ये हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल ये आ गया, ठीक है, डिस्टेंस एक आ गया, डायरेक्ट डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसको पता चल जाएगा कि हमारे पास डायरेक्ट डिस्टेंस कितना है, ठीक है। अब राइट ट्राइंगल का क्या कमाल है, देखिए ये हमारे पास परपेंडिकुलर थ्रो करेगा और हमारे पास ये एक राइट ट्राइंगल बनाएगा, ठीक है। तो ये आप जानते हैं कि हमारे पास 90 डिग्री के सामने वाली हाइपोटेन्यूज साइड होती है, ठीक है, और उसको ये वाली साइड हमारे पास परपेंडिकुलर कहलाती है, ठीक है, और ये वाली बेस कहलाती है, वो क्यों कहलाती है और कब कब कहलाती है, उसके ऊपर हम थोरली बात करेंगे, अभी सिर्फ आपको बात समझा रहा हूँ, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास जब पिरामिड्स आते हैं, ये इजिप्ट के अंदर हमारे पास होते हैं, अब इसकी हाइट हम कैसे नापें? इसकी तो हम सिर्फ ऐसी ये वाली हाइट नाप सकते हैं, हमें तो बिल्कुल डायरेक्ट इसकी ऊंचाई नापनी है, ये हमें डायरेक्ट ये वाली ऊंचाई नापनी है कुछ इस तरह से, ये ज़मीन से कितनी है, अब ऐसे तो नहीं नाप सकते। तो इसके लिए भी फिर हमारे पास क्या होगा, हम एक राइट ट्राइंगल परपेंडिकुलर थ्रो करेंगे, ठीक है। अब हमारे पास देखिए एक राइट ट्राइंगल बन गई है,
फिर हम मालूम करेंगे। अब ये तो देखिए हम नाप सकते हैं ठीक है ना, ये तो हम कोई किसी भी मेजरमेंट से हम नाप सकते हैं ठीक है ना। तो जब उसको नापने के बाद हमें पता, फिर यहाँ से हम एंगल देख लेंगे उसका एंगल कितना होगा, जो भी हमारे पास थीटा बनेगा, तो फिर हम इसकी एग्जैक्ट क्या बता सकते हैं, इसकी हम हाइट बता सकते हैं, हमारे पास क्या है इस पिरामिड्स की ठीक है ना। तो इसी तरीके से हमारे पास इसका बहुत यूज़ आता है ठीक है, हमारे पास ये सारी की सारी राइट ट्राइंगल से हमारे पास क्या है, हमारे पास राइट ट्राइंगल से सारी की सारी जनरेट होती है ठीक है। ये देखिए हमारे पास, ये देखिए एक राइट ट्राइंगल बन गई ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास ठीक है, यानी ये सारे का सारा प्रोसेस हमारे पास राइट ट्राइंगल पे होता है ठीक है। अब मिसाल के तौर पे हमारे पास जब राइट ट्राइंगल नहीं हो तो फिर क्या करेंगे, फिर देखिए परपेंडिकुलर थ्रो करवाएंगे, अभी हमारे पास राइट ट्राइंगल बन गई है ठीक है। ये देखिए 90 का एंगल बन गया हमारे पास, और ये भी हमारे पास एक राइट ट्राइंगल बन गई है। जब हमारे पास ऐसा हो जाए कि जब हमारे पास राइट ट्राइंगल नहीं होगी तो फिर हम उसको राइट ट्राइंगल बनाएंगे ठीक है। आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अब इसके हम थोरली आगे बात करेंगे कि किस तरीके से क्या चीज़ प्रोसेस करती है और किस तरीके से हम सारी चीज़ें फाइंड आउट कर सकते हैं।